किसी के बनर घुड़की से डरने वाला थोड़े हूँ, मेरा पर्चा वैध हो चुका है, लड़ूंगा चुनाव तो लड़ूंगा। जी हाँ, ये वाक्या है भोजपुरी सुपरस्टार अभिनेता गायक पवन सिंह का। और आपको मैं बता दूं कि इस समय बिहार में जो है चुनाव की सरगर्मी लोकसभा की है बहुत तेज है, खास तौर से दो सीटों की, उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं रात 24 न्यूज। साथियों, जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि यूपी में वाराणसी लोकसभा सीट पर एक चर्चित यूट्यूबर श्याम रंगीला का जिस प्रकार से पर्चा खारिज हो गया, कहीं ना कहीं उसी तरीके से अभिनेता पवन सिंह को भी डर था। लेकिन अब उनका पर्चा जो है वैध हो चुका है, अब वो लड़ेंगे चुनाव, उस पे हम बताएंगे। इस समय बिहार में दो ऐसी सीटें हैं जो कि बीजेपी के नाक में दम करती हैं। बिहार का बक्सर से आनंद मिश्रा एक तरफ निर्दल प्रत्याशी के तौर पर लड़ रहे हैं, तो वहीं बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से भोजपुरी स्टार पवन सिंह के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरने से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह का कहना है कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा, नामांकन वापस नहीं लूंगा, आगे बढ़ गए तो बढ़ गए। हालांकि नामांकन वापस लेने की अंतिम दिन भी बीजेपी और एनडीए के नेताओं को उम्मीद है कि पवन सिंह नामांकन वापस लेकर एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के लिए राहत आसान कर पाएंगे। इससे पहले बिहार सरकार के मंत्री और वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार ने सख्त लहजे में चेतावनी दी थी कि अगर पवन सिंह काराकाट से वापस नामांकन नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके जवाब में पवन सिंह ने कहा कि कौन क्या बोल रहा है इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन हमने अपना फैसला ले लिया है तो ले लिया है। पवन सिंह ने कहा, यह हिंदुस्तान है, यहां हर किसी को अपने हिसाब से स्वतंत्र जीने का अधिकार है। मैं जिस रास्ते पर निकल पड़ा हूं, पीछे देखने का सवाल ही नहीं है, चाहे कोई कुछ कहे। पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ेगा तो लड़ेगा। पवन सिंह ने जिस काराकाट संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं, उसी सीट पर उनकी मां प्रतिमा देवी भी नामांकन किया है। अपनी मां के नामांकन के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में पवन सिंह ने कहा कि वजह क्या है यह हम आपको बताएंगे, आप लोग नहीं सोच सकते हैं। हर इंसान अपने जीवन में कुछ सोच समझ करके चाहता है, चाहे वो हम हो या आप। मां का नामांकन बस एक रणनीति का हिस्सा है। अब ऐसी चर्चा है कि पवन सिंह का नामांकन सही पाए जाने के बाद उनकी मां प्रतिमा देवी का पर्चा वापस ले लेंगी। तो साथियों, ये बात है। और जिस प्रकार से पवन सिंह जो हैं काराकाट से अब मैदान में कूद चुके हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं है। आप देखे भी होंगे कि जिस प्रकार से वाराणसी से श्याम रंगीला ने पर्चा भरा था और उनका पर्चा खारिज हो गया था, तमाम तरह की ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही थी कि पवन सिंह अपना खुद पर्चा वापस ले लेंगे या उनका पर्चा जो है जिस प्रकार से कुछ जगहों पर देखा गया कि बीजेपी खारिज करा सकती है, तो उस तरह से पवन सिंह का जो है पर्चा वैध हो चुका है और नाम वापसी का मात्र एक दिन का और समय है। तो सोचिए कि जिस प्रकार से पवन सिंह ने कह दिया है साफ लहजे में कि अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं है और मैदान में ताल ठोक दिया हूं, तो चाहे जो भी पहलवान होगा, चाहे पटकेगा या तो पटकाएगा, इसमें पर्चा वापस लेने का सवाल ही नहीं है। तो दोस्तों, इस समय बिहार के दो सीट जो हैं चर्चा के विषय हैं। अब देखना होगा कि 4 जून को जो फैसले आएंगे उसमें क्या होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से पवन सिंह और आनंद मिश्रा ने
बीजेपी का नींद हराम किया है, कहीं न कहीं ये देखने लायक और दिलचस्प इस साल का लोकसभा का जो चुनाव है काफी दिलचस्प हो चुका है। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ राजन उजागर रिपोर्ट, धन्यवाद, शुभकामना।